सिर्फ देखता हूँ, अभी तेरे पापा की बता रहा हूँ। हाँ चल, 2 रुपये देंगे। देने गया तो उनने फिर से मुझे मारा और कहा 2 रुपए का मतलब 5-6 हज़ार रुपए महीने जब तक कमा के नहीं तो तब तक वो नहीं मानेंगे। अब लगता है कुछ काम करना ही पड़ेगा। मुझे मैं कुछ सोचता हूँ। सोच, मैं भी कुछ सोचता हूँ। अरे सुन सुन सुन, मेरे दिमाग में एक बिजनेस आया है। क्या? क्यों ना हम सब्जी बेचे। हाँ यार, ये तो सही है, गली गली जाके जाकर सब्जी बेचेंगे। हाँ सब्जी भी गली गली जाके बेचेंगे, पर यार इसमें एक दिक्कत है। मेरा एक दोस्त राहुल है, उसके गली जाऊंगा, वो सब्जी खरीदेगा पर पैसे नहीं देगा उसका। ऐसे कैसे नहीं देगा पैसे? मैं बुलाता हूँ। हाँ तू बुला उसे, देखता हूँ कैसे नहीं देगा पैसे सब्जी खरीदने के बाद। फ्री के सब्जी खाएगा वो। हेलो राहुल, कहाँ पर? पार्क में आ जा तू। पार्क में? हाँ ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ जल्दी से, बहुत जरूरी काम है। और भाई? हाँ भाई, तूने हमारी सब्जी कैसे फ्री में ली भाई? तुम्हारी सब्जी जब तेरे गली में आए थे सब्जी बेचने हम। हाँ भाई आए तो फ्री की सब्जी, फ्री की सब्जी, सब्जी नहीं ली तो मेरे को इतना मारा। अगर लेता तो कितना मारते मेरे को। मैं एक और दिक्कत आ गई। मान ले सब्जी बिकी नहीं हमारी। हाँ, मान लिया। तो खराब हो जाएगी। हाँ, सड़ जाएगा। हाँ। तो हमारा बिजनेस तो ऐसे ही ठप पड़ जाएगा। ये तो तू सही कह रहा कार्तिक, कुछ और सोचना पड़ेगा यार मुझे लगता है। रुक जा, मैं सोचता हूँ। अरे आइडिया क्या, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। क्या? तू ना हम हलवाई की दुकान खोल ले। हाँ, ये भी सही। हम मिठाई जलेबी बेचेंगे। हाँ बेचेंगे, पर यार इसमें भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मेरा दोस्त कमलेश है। हाँ है। उसको मिठाई बहुत अच्छी लगती है, वो आएगा दुकान पे, आएगा उठा के खा लेगा मिठाई। हाँ। इससे हमारी मिठाई झूठी हो जाएगी। हाँ, और वो पैसे भी नहीं देगा। कैसे नहीं देगा? अभी रुको, उसे फोन करके मैं बुलाता हूँ। बुला उसे, बुला, रुक जा, बुलाता हूँ। कैसे किए उनने मिठाई हमारी झूठी? देख, बुला उसे। हेलो कमलेश। हेलो। हाँ भाई, पार्क में आ जा भाई, तू जल्दी से। क्या पार्क में हूँ? ठीक है, अभी आ रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ भाई, तूने हमारी मिठाई कैसे झूठी की? कौन सी मिठाई? वही दुकान वाली है। पैसे पैसे दिए तूने? अबे तू फ्री में मिठाई खाएगा तो ठीक करेगा। यार पर मिठाई वाले दुकान में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? देख, मिठाई की दुकान खोलेंगे, खोलेंगे, मधुमक्खी आएगी, आएगी मक्खी आएगी, आएगी, वो मिठाई पे बैठेंगे, बैठेंगे। हमारी आधी जिंदगी तो मिठाई से मधुमक्खी और मक्खी को उड़ाते उड़ाते चल जाएगी। ये बात तो तू सही कह रहा है। हम बिजनेस क्या खाक कर पाएंगे? कुछ नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा यार। कुछ दमदार सोचते, सोचो। अरे मेरे दिमाग में एक और आइडिया है ना, तो ये खराब होगा। हाँ। ना इसमें मक्खी उड़ानी पड़ेगी। हाँ। क्यों ना हम रिचार्ज की दुकान खोल ले। हमारे गांव में वैसे ही एक ही दो दुकान है और हाँ, तीसरी दुकान हमारी रहेगी। हाँ। और सबसे बड़ी करेंगे हम। ये बात तो सही कह रहा है, पर यार इसमें भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मेरा दोस्त मिथिलेश है। हाँ है। उसके पास फोन है। हाँ है। वो रिचार्ज कराने आएगा मेरे पास। आएगा, पैसे नहीं देगा, नहीं देगा, रिचार्ज करवा लेगा और फ्री में चल जाएगा। ऐसे कैसे नहीं देगा? अभी रुको, उसे फोन करके मैं बुलाता हूँ। तू बुला उसे भी, देख लेंगे आज हम उसे भी, देखते हैं।
हेलो, पार्क में आना, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे कहा होगा? हाँ ये बता, तुमने रिचार्ज फ्री में कैसे करवाई? अरे मैंने कौन सा रिचार्ज करा लिया, कराया नहीं दुकान पे आके। तेरी चालीस रुपए वाली बात किसने तेरी? काली चल छोड़। अरे इससे बढ़िया तो फोन ही ना चलाऊं, कौन सा रिचार्ज करा लिया इतना मारा। बिजनेस तो अच्छा है, हाँ, पर ये बता इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो बहुत लगेंगे यार। तेरे पापा से मांगने में क्या दिक्कत हो रही है? अरे मेरे पापा तो फूटी कोडी ने देने वाले, वो कहेंगे तू कहीं उड़ा के आ जाएगा। ऐसे कैसे नहीं देंगे, रुक जा मैं चलता हूँ। ऐसे मांगेंगे मांग चल आज।